नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। राजस्थान रोडवेज आईटीआई के लिए जो पोस्ट होती है उसका पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे और एक पार्ट हो चुका है जिसमें नॉन टेक के 15 क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुके हैं। अगला जो पार्ट है इसमें हम सॉल्यूशन करने वाले हैं अगले क्वेश्चन, जिसमें रोड सेफ्टी के कुछ बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही मैथ का जो पार्ट है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआई बेस्ड नॉन टेक इस चैनल पर आपको मिलता रहता है। साथ ही पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस पहले पार्ट को भी देख कर जरूर आइए, आपको पता चल जाएगा राजस्थान रोडवेज में जो आईटीआई वालों के लिए पोस्ट आती हैं आर्टिजन थर्ड या आर्टिजन सेकेंड, उनमें किस तरह का पेपर होता है। मैंने अपने विचार आपके सामने रखे थे कि राजस्थान जीके था वो इजी लेवल का था, मैंने आपको करवा दिया है प्रोवाइड। ये रहा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं पहले पार्ट से। और फिर मैंने आपको रोड सेफ्टी के क्वेश्चन करवाए थे, उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि हमारी रोड सेफ्टी हार्ड लेवल की डिफ़िकल्ट लेवल की आती है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका था, अब आपने लाइक कर दिया है तो क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। आगे के पार्ट देखने के लिए आप लाइक जरूर करें और शेयर करके अच्छा रिस्पांस दिलाइए ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए वीडियो बनाते रहें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये चिन्ह दर्शाता है, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अब आपसे पूछा गया है कि ये सिंबल है सड़क सुरक्षा का वह कैसा होता है, तो दो मार्गीय यातायात, आगे संकरा मार्ग है, आगे प्रतिरोध है, डिवाइडेड हाईवे, आगे समाप्त है, ऐसा करके क्वेश्चन बनाया है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाते हैं तो आप दोनों देख लीजिए, मैंने हिंदी पढ़कर आपको सुना दिया है। अब देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आगे डिवाइडेड हाईवे समाप्त हो चुका है, इस प्रकार से सिंबल दर्शा रहा है। ये आपकी इस प्रकार से सिंबल दर्शा रहा है कि आगे डिवाइडेड हाईवे समाप्त हो चुका है, यानी कि पहले हाईवे डिवाइड किया होता था और अब आगे जो सड़क है वो एकल सड़क है, यानी कि उस पर आने जाने वाले साधन तो चलेंगे, हालांकि हाईवे बीच में वो डिवाइडर होता है वो बना हुआ नहीं है, ऐसा इसने दर्शाया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इजी क्वेश्चन मान सकते हैं, ये तो हर कोई कर देगा। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि ये चिन्ह दर्शाता है, यानी कि ज़्यादातर सड़क सुरक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं चिन्ह दर्शाता है या फिर सिंबल आपका है वो प्रेजेंट क्या कर रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, हिंदी में ये रहा आपके सामने। राजस्थान वाले हैं तो ज़्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, आप इसे देख लीजिए। इसका मतलब आपके हैं क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें देखिए मुड़ना नहीं, बाईं ओर मुड़ी, डेटर यू टर्न नहीं लेना, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यू टर्न नहीं लेना, इस प्रकार से है। बाईं ने मुड़े, दाईं ने मुड़े के इस प्रकार के सिंबल होते हैं और ये क्रॉस के कट लगे होते हैं कि बाईं ने मुड़े और दाईं ने मुड़े, यू का सिंबल बना रखा है तो यू टर्न लेना मना है, इस प्रकार से इन्होंने दर्शाया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आगे अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना रोड सेफ्टी के वो इजी लेवल के हैं। पहले जो 15 तक क्वेश्चन आए थे ना वो थोड़े हार्ड लेवल के मान सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप रात्रि में वाहन चलाते समय निम्नलिखित सभी करेंगे सिवाय एक के, यानी कि ऐसा क्वेश्चन कहा है कि जो आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना उनमें से आप ऐसा कौन सा है जिसे रात्रि में वाहन चलाते समय नहीं करना चाहिए या फिर नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है, रात्रि को सड़क मार्ग पर कभी भी गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। सही बात है, रात को गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए, यदि आपने हेडलाइंस और बंद करके गाड़ी को खड़ा कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। आगे दूसरा आपके सामने ऑप्शन है, अपने वाहन तथा दूसरे वाहन के बीच कम दूरी बनाकर रखेंगे। नहीं, रात्रि में जब आप वाहन चला रहे हैं तो एकदम उचित दूरी या फिर समुचित दूरी आप कह सकते हैं वो बनाकर चलना चाहिए, निश्चित दूरी आपको रखनी चाहिए। तीसरा है, सुनिश्चित करेंगे कि वाहन की सभी हेडलाइट, टेल लाइट व दिशा संकेतक सुचारू रूप से काम करें। हाँ, इंडिकेटर आपका सही से काम करना चाहिए और इंडिकेटर से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम ही है, क्यों, क्योंकि कई बार हमने ऐसा महसूस किया है कि कोई गाड़ी वाला होता है उसे राइट जाना होता है लेकिन वह इंडिकेटर लेफ्ट देता है, लेफ्ट जाना होता है राइट वाला इंडिकेटर देता है, तो कन्फ्यूज कर देता है इस प्रकार की, तो आपको ये वाली फॉलो करने चाहिए। अब देखिए आगे क्या है, चौथा, वाहन खराब होने की स्थिति में रात्रि के समय सुरक्षा के लिए वाहन के पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टिव
ट्रिंगल रखेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि हम वाहनों के बीच कम दूरी रखकर चलाएंगे, तो ये गलत है। दूरी निश्चित ही होनी चाहिए या फिर दूरी पूरी रखनी चाहिए, आप समझ पाएंगे यदि चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं तो आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के दौरान वाहन चलाते समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिए, वाहन को धीमी गति से चलाएं, अपने विंड स्क्रीन वाइपर तथा आपकी निरंतर प्रयोग करते रहें, बार बार ब्रेक पेडल को दबाते रहें ताकि पता चले कि ब्रेक सही से काम कर रही है या फिर नहीं। आगे है, अगर तेज वर्षा हो रही है तो ब्लिंकर ऑन रखें, तीखे मोड़ पर न काटें, अनावश्यक रूप से ओवरटेक न करें, अपने आगे वाले वाहन के मध्य दूरी बढ़ाकर रखें, उपरोक्त सभी बिंदुओं को अनुसरण करना चाहिए। तो मुझे ये सारे सही लगते हैं कि हाँ, चारों का अनुसरण करना चाहिए। ऑफिशियल आंसर की मेरे जस्ट पास में है और 19वें का उन्होंने चौथा आंसर दे रखा है, जैसा कि हमने आपको बताया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन पेपर को हल कराने का मतलब है कि आपको बताना कि पिछली बार जो 2013 में पेपर हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। ये 2013 का पेपर है और आप देख लीजिए, इंग्लिश में भी मैंने पहले बताना आपको भूल गया था, तो आप इन दोनों क्वेश्चन एक साथ ही देख लीजिए। अब देखिए, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। 20 वाला पहले मैं आपको इंग्लिश में ही दिखा देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट करते समय प्रॉब्लम होती है, तो आप कर लीजिए। देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20 और अब हिंदी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पेपर में क्या लिखा हुआ है। वर्षा के दौरान यदि प्रतीत होता है कि आपकी गाड़ी के टायर सड़क के साथ ग्रिप हो चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको पता है, गैस पेडल के फुट ऑफ को छोड़ दें, स्टीयरिंग व्हील को सीधा करने की कोशिश करें, न रुके न मुड़े जब तक गाड़ी के टायर सड़क के साथ ग्रिप न बना ले। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि वर्षा के दौरान यदि प्रतीत होता है कि आपकी गाड़ी के टायर सड़क के साथ ग्रिप छोड़ चुके हैं, तो आपको तीनों फॉलो करने हैं, स्टीयरिंग व्हील को घुमाने, सीधा करने की कोशिश, और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए मैं इसे इंग्लिश में भी आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन को। आप वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, फिर आप हिंदी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समुचित प्राथमिक चिकित्सा देने से उनके जीवन बचने की संभावना कई गुना बढ़ सकती है और चोट की गंभीरता कम हो जाती है। दुर्घटना में ट्रोमा के बाद किसे स्वर्णिम घंटा कहा जाता है या स्वर्णिम गोल्डन आवर का क्वेश्चन पूछा है कि विच इज टर्म्ड एज गोल्डन आवर आफ्टर द ट्रोमा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे कौन सा टाइम कहलाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी गोल्डन घंटा या फिर स्वर्णिम घंटा ऑप्शन आता है, और पहले के 30 मिनट को स्वर्णिम घंटा कहा जाता है। हालांकि सड़क सुरक्षा में इन्होंने जो आंसर माना है उसके अकॉर्डिंग प्रथम एक घंटे को हम स्वर्णिम घंटा कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा प्रथम एक घंटा स्वर्णिम घंटा कहलाता है। थ्योरी में आप अलग से पढ़िए, इसमें अलग से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सड़क की सुरक्षा से पढ़ रहे हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आपकी सुरक्षा ही होती है, तो उसमें आपकी पहले के 30 मिनट को गोल्डन आवर नाम दिया जाता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में है, देख लीजिए, उसके बाद हिंदी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सड़क दुर्घटना में मौत का सबसे सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गंभीर चोट, वायुमार्ग अवरुद्ध होने के कारण ऑक्सीजन आपूर्ति रुकने से दुर्घटना पीड़ित की मौत, अत्यधिक रक्त का स्राव का कारण यानी कि अत्यधिक रक्त बहना, और इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं, सबसे सामान्य कारण इन्होंने पूछा है और सबसे सामान्य कारण है ऑप्शन नंबर बी, वायुमार्ग अवरुद्ध होने के कारण, यानी कि वायुमार्ग बंद हो चुका है और ऑक्सीजन की आपूर्ति एकदम आसानी से नहीं हो रही है या फिर श्वास लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सबसे सामान्य कारण है। ब्लड बहना और गंभीर चोट के कारण ये मुख्य कारण नहीं है, सामान्य कारण इन्होंने पूछा है और वो ऑप्शन नंबर बी है। आप इंग्लिश में भी इसका आंसर देख लीजिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आप पहले इंग्लिश में देख लीजिए, फिर मैं आपको हिंदी में भी इसे ट्रांसलेट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने, सड़क दुर्घटना में ABC के नियम का अनुसरण करना चाहिए, ABC का नियम है। अब देखिए, जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तब भी आपको ABC पढ़ाया जाता है, पहले तो ABC की आप पूरी नाम सुन लीजिए।
एबीसी होता क्या है? ए बी और सी। एबीसी का मतलब होता है एयर वे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। एयर वे का मतलब होता है श्वास मार्ग, ब्रीदिंग का मतलब आपको पता है, और तीसरा होता है सर्कुलेशन यानी कि रक्त का परिसंचरण। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, वायु मार्ग श्वास लेने का रास्ता खोलें, मुंह से मुंह श्वास छोड़कर जीवन की बहाली में मदद करें और खून बहने से रोकें। तो ये तीनों ही सही है, एबीसी का फुल फॉर्म यही होता है। एबीसी का नियम है, ये एबीसी के तीनों नियम लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। इंग्लिश में देखने वाले देख लीजिए पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन प्रॉपर दिखाई दे रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को देख लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हिंदी ज़्यादा आपको समझ आएगी और हिंदी में हम आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है, दुर्घटना पीड़ित से रक्त स्त्राव रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? दुर्घटना पीड़ित से रक्त स्त्राव यानी कि जो ब्लड आपका बह रहा है उसे रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला है, खून बहने वाले घाव को साफ करें, कपड़े या बैंडेज के मोटे पेड की मदद से घाव पर सीधा दबाव डालकर खून को बहने से रोकें। लंबे लंबे सेंटेंस लिखे हुए हैं, मतलब साफ है कि खून को बहने से रोकें। दूसरा है, शरीर के जिस अंग से खून बह रहा है उसे रोकने के लिए उन अंगों को ऊंचा उठाएं, यानी कि अब जिस अंग से खून बह रहा है उसे ऊंचा कर दीजिए ताकि खून कम बहे। घाव व दृष्टव्य टूटी हड्डियों के चारों ओर पेड या बैंडेज लगाएं। तो आप क्या करेंगे, उपरोक्त सभी आपको करना है 24वें में, कि आपको चारों ये तीनों काम करने चाहिए। यदि किसी पीड़ित को आप खून बहने से रोकने के लिए रोकना चाहते हैं तो आपको ये करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इंग्लिश में कर दूं पहले इसे। ईयूसूल इज यूज्ड फॉर, अब देखिए जब भी ये क्वेश्चन आप गूगल पर सर्च करेंगे एक ही आंसर आएगा, तो आप इसको याद ही कर लीजिए। ईयूसूल का प्रयोग किया जाता है ड्रेसिंग के काम में किया जाता है, जब ब्लड बहता है तो ड्रेसिंग के लिए ये प्रयोग होती है, ईयूसूल से ड्रेसिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, जले हुए केस में कौन सा पग सबसे प्रथम लेना चाहिए, यानी कि पग का मतलब यहाँ है कदम, यानी कि स्टेप कौन सा लेना चाहिए। अब देखिए गलती क्या हुई है इस क्वेश्चन में, क्या हर एग्जाम में यही गलती होती है, क्वेश्चन पेपर होता है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में बनता है, आजकल गूगल ट्रांसलेट का उपयोग सब जगह होने लगा है, तो एग्जामिनर भी इंग्लिश में लिखे हुए क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करता है गूगल ट्रांसलेटर की मदद से, और गूगल ट्रांसलेटर हर वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बन गया कि जले हुए केस में सबसे पहले कौन सा पग लेना चाहिए, यहाँ पग का मतलब है स्टेप, या फिर पहले क्या करना चाहिए, चरण कौन सा यूज होना चाहिए। अब देखिए यही एक एग्जांपल होता है, जब आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ते हैं तो करंट वर्ड आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, ऐसा क्वेश्चन वो टाइप करता है, और जब हिंदी में उसे ट्रांसलेट करता है तो क्वेश्चन बन जाता है धारा की इकाई नहीं बनेगा, क्वेश्चन बन जाता है वर्तमान की इकाई क्या है, क्योंकि करंट को वर्तमान कहते हैं। तो यही वजह है, गूगल ट्रांसलेट की वजह से यदि हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो अब बन जाता है। क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़िए, हमें खैर इसका आंसर निकालना है। ठंडी कंप्रेशन को लगाना चाहिए, मरहम लगाना चाहिए, क्षेत्र के साफ कपड़े से ढकना चाहिए, या क्षेत्र को रगड़ना चाहिए। जले हुए यदि किसी का कुछ जल गया हिस्सा, तो उसके लिए आपको कौन सा कदम उठाना है, ऐसा पूछा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, आप दोनों लैंग्वेज में इसे देख लीजिए ताकि आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ जाए। उर्वस्थी में कई टूट होने वाले रोगी की इमरजेंसी के केस में, अब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन पढ़िए, वर्तमान स्थिति में पैर की स्प्लिटिंग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी पैर को तटस्थ अलाइनमेंट में रखना चाहिए, सामान्य नमकीन पानी से घाव को सिंचित करना चाहिए, या घाव पर अप्रत्यक्ष दबाव लगाना चाहिए। तो वर्तमान स्थिति में पैर को स्प्लिटिंग करना चाहिए। अब देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है वो पढ़ लीजिए, स्प्लिट द लेग इन इट्स प्रेजेंट पोजिशन, यानी कि उससे विभक्त करना चाहिए आपको इमरजेंसी केस में। अब लास्ट है आपके सड़क सुरक्षा का क्वेश्चन, और सड़क सुरक्षा के क्वेश्चन पेपर को देखकर लग रहा है कि काफ़ी टफ आ रहे हैं। देखिए 28 नंबर
क्वेश्चन आपका है, टाइट प्रेशर बैंडेज किया जाता है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए, रक्त दबाव उपकरण की मदद से, या निम्न में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दे रखा है, रक्त के रिसाव को रोकने के लिए टाइट ब्लड बैंडेज आपके प्रेशर बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए मैथ का पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है, वैसे तो 15 मिनट हो गई, लेकिन जिसको पढ़ना है वो पूरा पेपर देखेगा, इसलिए मैं आपको आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तीन पार्ट में इस पेपर को मैं नॉन टेक पार्ट को कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब देखिए आपके सामने है मैथ का पहला क्वेश्चन और ये मेरा दूसरा पार्ट है, अगले पार्ट में पूरा आपको कंप्लीट मिल जाएगा पेपर। क्वेश्चन नंबर देखिए, 0.396 भाग दे रखा है, भाग का साइन है और ब्रैकेट में संख्या दे रखी है और आपको गुणा करके आंसर निकालना है। मैथ का पेपर मैं कह रहा हूँ काफ़ी ईजी आया था, जैसा कि मैंने क्वेश्चन देखे हैं। अब देखिए आपको बोर्ड मास का रूल पता होगा, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है 11+1, तो आप जोड़ दीजिए क्या बनेगा, आप कहेंगे 12, यानी कि ब्रैकेट की जगह क्या है तो आप कहेंगे 12। उसके बाद बोर्ड मास का नियम कहता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं बोर्ड मास का नियम कहता है ब्रैकेट के बाद आपको यदि कोई प्रतिशत वाले चिन्ह हैं तो उसको सॉल्व करना है, हालांकि इसमें कोई प्रतिशत का चिन्ह है नहीं। आगे देखिए डिवाइड करना है आपको, डिवाइड किससे करना है, 0.396 को आपको डिवाइड करना है 12 से। फिर बोर्ड मास का नियम कहता है बोर्ड मास यानी कि डिवाइड के बाद कर दो मल्टीप्लाई, 100 से कर दो मल्टीप्लाई। अब देखिए इधर मैं करूँगा ऐसे 1000, हालांकि मैंने ये करके आपको उत्तर निकाल के देख रखा है, आप कॉपी लेके बैठिए इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। अब देखिए कैलकुलेशन आपको करनी है और इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आपके 3.3 उत्तर आना चाहिए, जैसा कि मैंने कैलकुलेशन पूरी तरह से कर रखी है, आप भी कैलकुलेशन कीजिए, आंसर यही आ रहा है और ऑप्शन में भी ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने यही उत्तर माना है, ज़रूर कीजिए। यदि कोई गलती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर ये नहीं आ रहा है, तो हम फिर से रीचेक कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके मैथ का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, 4.891 भाग आपको 0.134, ये भाग करना था, इजी लिख कर पाएंगे, यानी कि भाग सबको आता होगा, पॉइंटों वाली भाग है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का भी आंसर है 36.5, आप सभी कर पाएंगे, ज़रूर कीजिए इसका आंसर और मिलान करके कमेंट कर दीजिए। मैथ में तो इजी क्वेश्चन आए थे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं आपको आगे फटाफट पार्ट करवा देता हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है हिंदी इंग्लिश का, क्योंकि दोनों का एक ही लैंग्वेज है, केवल मैथ टाइप की है, न तो हिंदी है न यहाँ इंग्लिश है। अब अगली संख्या है 73 ब्रैकेट में आपको दे रखा है 27+16। अब देखिए पहले बोर्ड मास का नियम कहता है 27 और 16 को जोड़ो, तो जोड़ दीजिए कितने होते हैं, आप कहेंगे 3 और फिर आपकी क्या हो जाएंगी, तो आप कहेंगे 4, यानी कि 43 आपको करना है 43। 43 करने से आपको पहले लास्ट वाली की गुणा करनी है, तो आप कहेंगे 9, लेकिन चारों में 9 दे रखा है, इसलिए आपको पूरी मल्टीप्लाई करके ही मिलान करना है। यदि एक की संख्या में लास्ट में 9 होता तो हम इजीली टाइम की बचत के साथ इसका आंसर कर पाते, और 31वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31, 39 इसका आंसर दे रखा है, आप भी मिलान ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है 13145, यानी कि 13,100 आपके 45 दे रखा है, भाग देना है आपको 13.145, सभी दे पाएंगे, यानी कि ऊपर कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे 1000 और इसका आंसर भी यही है 1000, ऑप्शन नंबर बी कर पाएंगे। ये तो पॉइंटों वाला डिवाइडेशन था, सभी कर पाएंगे यदि थोड़ा सा नॉनसेंस लगा देते या फिर आप अपना क्रिएटिव माइंड यदि लगाते हैं तो कर पाते। हालांकि इस बार यदि एग्जाम हुए ना तो मुझे नहीं लगता इतनी इजी मैथ आएगी, क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ चुका है और 32वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 15x7 भाग दे रखा है 5, भाग का निशान है और नीचे दे रखा है 2 का स्क्वायर, और आगे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हिंदी की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, यही हिंदी और इंग्लिश का फायदा है, एक जगह साफ और एक जगह थोड़ा आपको
ब्लर टाइप का दिखाई दे रहा है। तो गुणा कर दीजिए पहले आप 15 × 7 भाग कर दीजिए, आपको भाग का निशान होना चाहिए शायद, भाग का ही निशान है, कर दीजिए। देखिए मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ, 15 × 7 कीजिए और भाग कीजिए आपको 5 से, ये हो गई आपकी 3 कट गई, यानी कि बच्चे कितने 21। अब 21 में भी भाग देना है आपको, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 3 = 7, यानी कि आंसर आएगा 3। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आप भी मिलान करके इसका आंसर जरूर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ से थोड़ी ठीक लेवल के क्वेश्चन शुरू हुए हैं, और ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि यदि एक निश्चित संख्या के 30% का 15% 18 है तो वह संख्या बताइए, ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन, आप देख लीजिए। मुझे लगता है अब तक आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, अब देखिए कह रहा है कि एक निश्चित संख्या, यानी कि हम मान लेते हैं एक निश्चित संख्या है एक्स, एक्स का 30%, यानी कि एक्स का 30/100, 30% का 15%, यानी कि 15/100 18 है, यानी कि इसका आंसर हमें दे रखा है 18 है। तो वह संख्या यानी कि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, काटा पिटी तो आप कर ही पाएंगे, कर दीजिए काटा पिटी, 0 से 0 कट करेंगे, और फिर आपको पता है शॉर्टकट वाला यूज करेंगे, यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करना है। क्या x, यहाँ मैं लिखता हूँ पूरा, यहाँ से x का आपको दे रखा है 30% का 15% बराबर 18, तो कीजिए एक्स बराबर 18 × 100 × 100 बट्टे आपके 30 × 15, है ना, इतना काफ़ी है। अब देखिए काटेंगे इसे, ये आपके 5 बार और ये आपके 6 बार, ये आपके देखिए 2 बार और ये 10 बार, ये 0 कट हो जाएगा, और इस प्रकार से आप काटा पिटी करके इसे कर दीजिए 20 बार, वो देखिए 2 तो 4, यानी कि 400 इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला आंसर है। अब देखिए आप सभी 10th से हाई लेवल के हैं, और 10th लेवल की मैथ आ रही है, तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और कर दीजिए खुद आंसर, मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, आप भी कर दीजिए, मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर लिखना पड़ रहा है तो आप भी समझ पा रहे होंगे। देखिए 1830 भाग 305 भाग 60, अब देखिए इसका मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताऊँगा, 1800 आपको दे रखा है 30, भाग लिख लीजिए 305, फिर लिख लीजिए भाग 60, फिर लिख लीजिए भाग x, बराबर इसने दे रखा है x, इतना कैलकुलेशन करना है। तो इसके 2-3 तरीके हैं, पहले तो आप दे दीजिए 1830 में 305 का भाग, 305 का आप भाग दे पाएंगे ना, वो आपको भाग दे लेना है, तो इतना करने पर आपके आता है 6, 6 में भाग देना है आपको 60 का, है ना, और फिर आपको भाग देना है x का। तो देखिए नीचे x है तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 1 × x, 1/x बराबर आपको दे रखा है 100। अब आप किसी भी प्रकार से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले आइए, इसका आपके आंसर आएगा 0.001। थोड़ा और इजी तरीके से बता देता हूँ, 6 भाग आपको 60 करना है इंटू 1/ ये देखिए x करना है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि ये यहाँ से कट के इधर आ जाएगा 60/6। अब देखिए 10 यानी कि 1000, अब 1/x की वैल्यू 1000 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.001, ये आप कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, कोई टफ लेवल का क्वेश्चन है नहीं। आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 35 तक हो चुके हैं टोटल, इस पेपर में 50 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन का एक अलग तीसरा पार्ट बन जाएगा, जिसमें हमारा पूरा राजस्थान रोडवेज का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी देखिए, और नॉन टेक पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पेपर में जो टेक्निकल यानी कि इलेक्ट्रिशियन का पार्ट है वो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल आपको यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल पेज पर आपको जल्द ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।